मुरादाबाद सर्व धर्म संयुक्त मंच संस्थान द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि श्री सर्व धर्म हिताय सेवा संस्था है, कैसा संगठन है जो कि हर दब की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी धर्मों के लोगों अनुयायियों को शामिल कर संगठन का निर्माण किया गया है। सभी धर्मों का सम्मान करना संगठन का परम दायित्व है। संगठन अपना ध्यान एक विशेष घटना की ओर, जो कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में आतंकवादी और कट्टरपंथियों के द्वारा आए दिन हो रही पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू सिख ईसाई जैन बौद्ध धर्म की महिलाओं व बेटियों को जबरन इस्लाम मजहब में परिवर्तन कराए जाने की घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं। उन्हें मजबूर किया जा रहा है। ऐसे कार्य मदरसा आदि में पाकिस्तान में किए जा रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज सिंह राठौर है। मनोज जी, किस तरह के प्रदर्शन किया गया और क्या प्रदर्शन किया गया जी? आज जो प्रदर्शन किया गया है, ये सर्वधर्म संयुक्त मंच सर्वधर्म हिताय सेवा संस्था की ओर से किया गया है। पाकिस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू सिख जैन बौद्ध इत्यादि रहते हैं, उनकी बहन बेटियों को जबरन, ईसाई भी रहते हैं जबरन, उनकी बहन बेटियों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, मदरसों में ले जाया जा रहा है। हमारा संगठन इसकी घोर निंदा करता है, ऐसे घृणित अपराध की घोर निंदा करता है। हमारा लक्ष्य है, हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को इस ज्ञापन को माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से भिजवाना चाहते हैं। क्या मांग करते हैं सरकार? हमारी प्रदेश सरकार से नहीं, हमारी सीधी माननीय राष्ट्रपति जी से एक मांग है कि अपने इस संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मुद्दे को उठाकर और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी जाए कि आगे को भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो पाकिस्तान के अंदर।